Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामायण का जिक्र हो और उसमें रावण और उसके लंका की चर्चा ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। कहा जाता है कि रावण की पूरी लंका सोने की बनी थी। रावण ने अपनी लंका की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए माता सीता को हर लिया था। वैसे तो सब जानते हैं कि रावण ने सोने की लंका बनाई थी और हनुमान जी ने लंका को जलाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि सोने के इस लंका को हनुमान जी ने नहीं बल्कि माँ पार्वती ने जलाया था। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर गए। कैलाश से जाते वक्त उन्होंने माँ पार्वती और शिव जी को बैकुंठ आने का न्योता दिया। जब माँ पार्वती लक्ष्मी जी से मिलने वैकुंठ धाम गईं तो वहाँ का वैभव देखकर उनमें ईर्ष्या की भावना घर कर गई। इसके बाद माँ पार्वती ने भगवान शिव से महल बनवाने का हठ किया। भगवान शिव ने पार्वती जी को भेंट करने के लिए कुबेर से दुनिया का अद्वितीय महल बनवाया। जब रावण की नज़र महल पर पड़ी तो उसे उसने लेना चाहा। सोने का महल लेने की इच्छा को लेकर रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर अपने इष्ट देव भगवान शिव शंकर के पास गया और भिक्षा में उनसे सोने के महल की मांग की। भगवान शिव को भी पता था कि रावण उनका बहुत बड़ा भक्त है। द्वार पर आए अतिथि को खाली हाथ लौटाना धर्मशास्त्रों में गलत बताया गया, इससे अतिथि का अपमान होता है। जब भगवान शिव ने रावण को सोने की लंका को दान में दे दिया और ये बात माँ पार्वती को पता चली तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा, वो खिन्न हो गईं। भगवान शिव ने माँ पार्वती को मनाने की कोशिश की, लेकिन माँ पार्वती ने इसे अपना अपमान मानकर प्रण किया कि अगर ये सोने का महल उनका नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं हो सकता। त्रेता युग में जब भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में रुद्रावतार लिया, रामायण में सभी पात्रों का चयन हो गया और तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा कि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हनुमान की पूंछ बन जाना, जिससे वो स्वयं लंका का दहन कर सकती हैं। अंत में यही हुआ कि हनुमान जी ने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाया। पूंछ के रूप में माँ पार्वती थीं। इस तरह माँ पार्वती ने भगवान शिव की बनाई लंका को खुद जलाया था। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।